हमारे बीच में सम्मानित श्री नंदराम बघेल जी, जिला उपाध्यक्ष खंडवाला, को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री महाराज सिंधिया जी, पिछोर के विधायक आदरणीय ईतम सिंह जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, सम्मानीय मंच उपस्थित, तो मातृशक्ति युवा साथियों, आदरणीय बंधुओं, हम धन्य तब हो जाते हैं जब इस बघेल समाज को महाराज जैसा नेतृत्व तो प्रदान होता है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब महाराज कांग्रेस में काम करते थे, महाराज ने भिंड जिला में दो बार माननीय जयसी राम जी बघेल साहब को जिला अध्यक्ष पद पर पहुंचा करके बघेल समाज का सम्मान रखा था। महाराज सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परंतु महाराज साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में बघेल समाज की संख्या लगभग 70 और 80 लाख के लगभग है। एक भी लोकसभा और विधानसभा में ऐसी संख्या बघेल समाज की नहीं है जो निर्णायक ना हो। परंतु आपके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आपके आगमन से आपको तो मजबूती मिली है, मैं समझता हूं कि बघेल समाज को भी मजबूती मिली मिलेगी, ऐसी उम्मीद कर बघेल समाज बैठा हुआ है। परंतु महाराज, बड़ा चिंतन का विषय है कि आप जैसे महारथी के नेतृत्व प्राप्त होने के बावजूद भी बघेल समाज को पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक हिस्सेदारी से भारतीय जनता पार्टी ने वंचित कर रखा है। संगठन में और सत्ता में दोनों में ही बघेल समाज को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा हमारा चिंतन का विषय है। मैं आग्रह करता हूं कि बघेल समाज को उचित स्थान शिक्षा, सत्ता और संगठन में मिले, और ये आपके द्वारा ही संभव है क्योंकि बघेल समाज ने आपको आपके नेतृत्व में काम करना शुरू कर दिया है। मैं पुनः महाराज से निवेदन करूंगा कि इस बघेल समाज को आप अपने साथ में लेकर चलें, यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। बस इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय बघेल समाज। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारे डॉक्टर बलराम सिंह जी को।